गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल माय क्यूट होम गार्डन। और आज हम उगाने जा रहे हैं हरा धनिया। हरा धनिया उगाने की कोशिश तो हम सब करते हैं, पर हमें उसमें सफलता जो है वो बहुत कम मिलती है। तो आज मैं आपको ऐसी तकनीक बताने वाला हूँ कि अगर आप इस तकनीक से हरा धनिया उगाएंगे तो आपको 100% सक्सेस मिलने वाली है, ये मेरी गारंटी है। तो आप वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि आप हरा धनिया कैसे आसानी से और जल्दी ग्रो कर सकते हैं। वीडियो में आगे चलने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल माय क्यूट होम गार्डन को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे घर में मिलने वाला साबुत धनिया है, और ये धनिया आपको आसानी से किसी भी दुकान पे मिल सकता है। तो आप 5 रुपीज़ का या 10 रुपीज़ का इसको इजीली परचेज़ कर सकते हैं। तो ये धनिया के बीज है जिससे मैं हरा धनिया उगाने वाला हूँ। पर एक बात का हमें बहुत ख़ास ध्यान रखना है कि इसको उगाने से पहले मुझे इन ये पूरे दो एक में दो बीज है, तो मुझे इनको क्या करना पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं कि ब्रेक करना पड़ेगा इनको। तो इसको ब्रेक करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं इसको न्यूज़पेपर पे रख लूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको न्यूज़पेपर के ऊपर रख लिया। और इसको मैं ब्रेक कैसे करने वाला हूँ, आप कोई भी कटोरी ले सकते हैं या फिर चप्पल जूते जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे आप इसको जो है वो 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो मेरे पास ये है और मैं इसकी हेल्प से जो है इसको 2 पीस में ब्रेक कर लूँगा। मुझे ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक के अंदर 2 बीज होते हैं, तो ब्रेक ज़रूर करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो धनिया है, धनिया के बीज को मैंने 2 पार्ट के अंदर ब्रेक कर दिया, और उसको ब्रेक करने के लिए मैंने एक चप्पल की हेल्प ली है, उसको ऐसे रब कर दिया है। तो ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया, और अब मैं इसको जो है अपनी जो भी मेरे पास कटोरी अवेलेबल है उसके अंदर डाल लेता हूँ। फ्रेंड्स, ये धनिया के बीज मैं कलेक्ट कर चुका हूँ और ये अब ग्रो होने के लिए रेडी है। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम करने वाला हूँ मैं, अब मैं इसके अंदर मिलाने वाला हूँ वर्मी कंपोस्ट। जी हाँ, वर्मी कंपोस्ट में इसको मैं मिक्स करने वाला हूँ। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये मेरे पास वर्मी कंपोस्ट अवेलेबल है, और इसको मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगा। तो ये वर्मी कंपोस्ट मैं इसके अंदर मिला रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो वर्मी कंपोस्ट है इसके अंदर मिक्स हो, तो ये वर्मी कंपोस्ट मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया। और अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक कपड़ा ले लिया है, और कोई भी आप कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं। इसके अंदर आपको क्या करना है कि ये जो वर्मी कंपोस्ट मैंने इस धनिए के बीज में मिक्स किए हैं इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको जो है इस कपड़े के अंदर डाल दिया है। और अब मैं इस कपड़े को कर दूंगा बंद। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो वर्मी कंपोस्ट मैंने धनिया के बीज के साथ मिक्स किए थे इसको मैंने कपड़े में रख लिया है। और अब मैं इसको करने वाला हूँ मॉइस्ट। तो मैं इसको पूरा मॉइस्ट कर दूंगा और इसको लगभग 12 से 24 घंटे के लिए रख दूँगा, उसके बाद मैं इसको ग्रो करने वाला हूँ। और उसका रिजल्ट भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कितनी जल्दी आपका जो धनिया है वो ग्रो होने वाला है। तो चलो इसको मॉइस्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इसको मॉइस्ट कर रहा हूँ, और पूरा इसको पानी से मैं जो है वो भिगाने वाला हूँ। आपको भी पूरा भिगा, गर्मी ज़्यादा है तो आप देख सकते हैं 10 घंटे के बाद भी कि मॉइस्ट ये है या नहीं है। तो आप इसको पूरी तरह से मॉइस्ट कर लीजिए।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पूरी तरह से मॉइस्ट कर दिया और इसके अंदर से जो पानी है वो गिरने लगा है, तो मैं इसको 12 से 24 घंटे के लिए जो है वो एज इट इज रख दूंगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस कपड़े को पूरी तरह से भिगो लिया है और अब मैंने इसको टांग दिया है। तो मैंने जैसा कि बताया 12 से 24 घंटे के लिए आप किसी भी खूंटी के ऊपर इसको टांग सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं, आज करीबन 2 बजे में, तो कल सुबह हम इसको देखेंगे और इसको ग्रो करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसको जो भीगे हुए हैं वो 15 से 20 घंटे हो चुके हैं, तो मैं इसको खोल लेता हूँ। और आप देख सकते हैं कि वर्मी कंपोस्ट में मैंने ये धनिया जो है वो मिक्स किया था। और ये मैंने अपना जो एक बैग है वो तैयार कर लिया है और इसके अंदर मैं इसको ग्रो करने वाला हूँ। आप गमला भी ले सकते हैं या जो भी पोट आपके पास अवेलेबल हो आप उसके अंदर इसे उगा सकते हैं। तो मुझे बस कुछ नहीं करना है, इसको लेना है और ऐसे पूरे पे स्प्रिंकल कर देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस पूरे के अंदर जो है अपने बैग के अंदर धनिये को डाल दिया है और अब मैं इसको थोड़ा सा मिट्टी से कवर करने वाला हूँ ताकि ये जो सीड्स है वो मुझे नज़र ना आए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सारे बीज को मिट्टी से कवर कर दिया है और अब मैं इसको हल्के हाथ से प्रेस कर लेता हूँ। बहुत ही हल्के हाथ से आपको प्रेस करना है। तो मैंने इनको हल्के हाथ से प्रेस कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क दूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसके ऊपर जो है वो पानी छिड़क रहा हूँ। मॉइस्ट रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गर्मी काफ़ी है और धूप भी बहुत तेज़ है, तो आप इसको पानी ना डालें, ऊपर से ही थोड़ा सा, चाहे तो स्प्रे बॉटल से स्प्रे भी कर सकते हैं या नॉर्मली ऐसे बस मॉइस्ट कर दीजिएगा आप इसको तो ये ठीक रहेगा। और कहीं से भी आपको धनिया नज़र आए ऊपर की तरफ तो आप उसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो धनिया है उसके बीज मैंने डाल दिए और अब इसको ग्रो होने में ऑन एन एवरेज 3 या 4 दिन या ऑन एन एवरेज 1 वीक में ये ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ये ग्रो होता है मैं आपके साथ अपडेट करता हूँ इसको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 3 दिन के बाद जो हमारा धनिया है वो ग्रो होना स्टार्ट हो गए। ये देखिए कुछ तो जो है वो बिल्कुल ही विजिबल जो है आपको नज़र आ रहे हैं और कुछ यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये छोटा छोटा आपको नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली आपको नज़र आने लगेगा ये। ये देखिए, तो 3 दिन के बाद और फिर हम 1 वीक के बाद की अपडेट आपको देते हैं। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका 10 दिन के बाद। 10 दिन के बाद जो हमारा धनिया है देखिए कितना अच्छा, ये देखिए कितना हेल्थी जो है हमारा जो धनिया है वो ग्रो हुआ है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कितना हेल्थी धनिया ग्रो हुआ है। ये देखिए, आप
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल माई क्यूट होम गार्डन को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप भी धनिया जो है वो ग्रो करने की कोशिश करिए, और जो भी रिजल्ट आपको मिलता है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।